अब हम देखते हैं इस किट को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको सारे कॉम्पोनेंट्स और पीसीबी बोर्ड आपको हम प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सैम्पल पीसीबी बोर्ड है और ये साथ में कॉम्पोनेंट्स है, ये सारे हमारी तरफ से आपको मिलेंगे। और यहाँ पे एक हमने कम्प्लीट पीसीबी बोर्ड रखी है और बिल्कुल ऐसा ही मॉडल हमें बनाना है। इसको बनाने से पहले आप इंश्योर कर लेंगे कि आपके पास कुछ बेसिक टूल्स हैं, जैसे एक मल्टीमीटर, एक वायर कटर, एक अलाइनर, एक सोल्डिंग आयरन और सोल्डिंग वायर। ये सारी चीज़ें अगर हों तो हम इसे प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पावर जैक लगाना होता है, तो इस पीसीबी बोर्ड में पावर जैक लगाने के लिए एक पॉइंट बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको एक डेटा शीट मिलेगी, स्पेसिफिकेशन शीट। शीट में आप देखेंगे कि इसको किस डायरेक्शन में हमें प्रॉपरली यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसमें दो लेयर होते हैं पीसीबी बोर्ड के, तो जिधर ट्रैक नहीं होते हैं, इधर देख सकते हैं आप सारे ट्रैक्स बने हुए हैं, तो इस साइड से हमें कॉम्पोनेंट लगाने होते हैं और इस साइड सोल्डिंग करनी होती है। इसके अलावा ये स्विच है, पावर स्विच, पावर सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए। देन ब्रिज रेक्टिफायर हमें लगाना है। रेक्टिफायर लगाते समय आप इसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा वाला लेग होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसको हमें इसी कॉर्नर पे लगाना है। इसके बाद कैपेसिटर लगाना है। कैपेसिटर का बड़ा वाला लेग पॉजिटिव होता है, वो यहाँ लगेगा जैसा इसमें हम देख सकते हैं। इसके बाद रेगुलेटर आईसी हमें लगानी है, तो रेगुलेटर आईसी लगाने के दो ऑप्शन है, या तो हम पहले बल स्ट्रिप लगा के इसके ऊपर आईसी लगा लें, या फिर डायरेक्टली हम आईसी को इसमें इंसर्ट करा सकते हैं यहाँ पे और इसकी सोल्डिंग कर सकते हैं। देन यहाँ पे बजर लगाना है। बजर में आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दो आईसीज लगी हैं, दोनों आईसीज की नॉच इस तरफ है, तो ये इसी तरफ रहेंगी। ये दो सेंसर्स हैं, सेंसर्स में आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंड हमारा ये रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है। रिसीवर का पॉजिटिव इस साइड रहेगा और ट्रांसमीटर का रिसीवर का पॉजिटिव इस साइड रहेगा, ट्रांसमीटर का पॉजिटिव इस साइड रहेगा। यानी जो बड़ी वाली लेग होती है पॉजिटिव होती है। और इसके अलावा यहाँ पे आईसीज बेस लगा के फिर हम आईसीज को लगा लेंगे। एलईडी हमारे सीरीज में लगा हुआ है इस बजर के साथ, और ये एक सेवन सेगमेंट है। सेवन सेगमेंट लगाने के लिए या तो आप डायरेक्टली इसमें लगा सोल्डर कर लें, या फिर यहाँ पे दो बल स्ट्रिप लगा के और इस तरह से दो बल स्ट्रिप लगा के इसकी हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। इसमें वायर्स हैं, आप देख सकते हैं जम्पर वायर्स, जिनका यूज़ हम कनेक्शन करने के लिए करते हैं। यानी इन वायर्स के थ्रू इस पीसीबी, इन वायर्स कोई भी आप जंपिंग वायर यूज़ करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ में रेजिस्टेंसेस लगे हैं। रेजिस्टेंसेस की कोई इनके कोई डायरेक्शन नहीं होते हैं, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस तरह से सारे कंपोनेंट्स लगाने के बाद हम एक बार पावर सप्लाई टेस्ट कर लेते हैं, यानी पावर ऑन करके। और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट के रेंज में रखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट है। और इसके कॉमन के रिस्पेक्ट में आउटपुट पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, 5 वोल्ट आना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 वोल्ट आ रहा है, यानी हमें हमारी पावर सप्लाई सही है और इसको हम ऑपरेट करा सकते हैं। LGKT006, ये हमने एक प्रोटोटाइप मॉडल बनाया है इंटेलिजेंट लेटर बॉक्स का, जिसमें इसमें एक IR सेंसर पेयर लगा हुआ है, जो जैसे कोई लेटर आता है उसको ये रीड कर लेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसर पेयर है, और यहाँ पे काउंटर है जो कि काउंटिंग को डिस्प्ले करेगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जैसे कोई लेटर ड्रॉप होता है तो उस कंडीशन में एक अलार्म बजेगा, LED एक बार इंडिकेट करेगी और साथ में काउंटिंग एक से इंक्रीमेंट हो जाएगी। अभी जैसे 0 काउंटिंग है, ये 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस तरह से ये काउंटिंग बढ़ती रहेगी और ये 0 to 9 काउंट कर सकता है।